That's how you are making the most out of this course. Yes. ठीक है, that's how it is. चार साल अगर आपने पढ़ा, दो तीन कोर्स अगर काम में आ जाते हैं ना, तो I think गनीमत समझे उसको. 48 के 48 आ जाए तो क्या बात है. ठीक है, but that's how not the life and the curriculum has been designed. ठीक है, क्योंकि देखो होता है क्या है कि हर कोर्स आपका डिजाइन होता है आपको अगले कोर्स के लिए इनेबल करने के लिए. आई एम नॉट गोइंग टू से कि तुम्हारे 48 कोर्स किसी काम के नहीं. मैं ये बोलूँगा कि वो सब काम के थे तभी आप इस काबिल बने हो कि यहाँ तक आखिरी बारी तक डटे रहे हो. मेक सेंस? इट डजंट मेक सेंस? सो एवरी स्टेप इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट. द फाउंडेशन डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, एक चीज है जो मैं कहता हूँ कि जिस तरह का तुम लोगों का रगड़ा इस कोर्स में लगा है, ये अगर सेकेंड सेमेस्टर इस थर्ड सेमेस्टर में हो जाए ना अगर, तो दैट वुड हैव एक्सपैंडेड योर कैपेबिलिटी और आप काफी जल्दी तैयार हो जाओगे दुनिया के लिए. गोइंग फॉर अराउंड 200 आउटलेट्स, विजिटिंग जोड़िया बाजार, देन इफ आई गिव अ रियलिटी चेक टू यू, फातिमा इज देयर, परवीन इज देयर, माहा, ठीक है, नुसरा, ठीक है, सारा, खवातीन को लेकर खासो बोला जाए तो घर वाले बोलते हो कि भाई क्या है, डेली मुंह उठा के तुम लोग मार्केट चले जाते हो, ये क्या हमारा गर्दी तुम लोगों ने लगा के रखी हुई है, शक्ल देखो कैसी अजीब सी हुई है तुम लोगों की, ये पांव देखो धोखे क्यों नहीं अंदर आए, ठीक है, खाना वाना कुछ नहीं खा रहे, बात क्यों नहीं कर रहे तो सही तरह से, ठीक है. एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इन लास्ट 4 ऑफ द मंथ. एंड आई एम श्योर दैट इन दैट पर्टिकुलर पीरियड अ लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव आस्क्ड यू कि क्या है, तो आप बोलते होंगे कि कोर्स है, कौन पढ़ा रहा है, तो फिर चार गालियां आप देते होंगे, दो घर वाले देते होंगे, ठीक है, और इसी तरह से पूरा का पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो गया. एंड दैट्स हाउ इट इज. बट टुडे आई थिंक ऑल ऑफ यू आर इन अ पोजीशन टू से दैट वी हैव डन जस्टिस टू द कोर्स, वी हैव लिव्ड अप टिल द एंड ऑफ द कोर्स, एंड That's it. That's all about it. ठीक है, क्योंकि मैं एक और चीज बताऊँ, अभी तुम लोग थोड़ा रस्टी हो गए, तुम लोग थोड़ा जंग लगेगा, ये भी बता दूंगा. होगा क्या, बिकॉज यू हैव वन मोर सेमेस्टर टू स्पेंड, राइट? यस सर. तो अगले सेमेस्टर आप, द थिंग इज योर कैपेसिटी हैज बीन एक्सपेंडेड लाइक दिस, यू वर दिस, नाउ इट हैज बीन एक्सपेंडेड लाइक दिस. तो जिस्म को, दिमाग को, रूह को अब उसकी आदत है. अब आज के बाद नहीं मिलता वो. तो जब चीज को नहीं मिलता क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा. अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो वहीं पड़े पड़े जंग लगना शुरू हो जाएगा. सो आई रियली एंटिसिपेट कि अगले सेमेस्टर तुम लोगों को कोई ऐसा फैकल्टी मिले, कोई ऐसा कोर्स मिले, या कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिले जिसमें यू आर इन अ पोजीशन टू यूटिलाइज दिस लाइफ एक्सपीरियंस, ठीक है, टू द बेनिफिट. एंड आई एम श्योर द वे यू गाइज आर शॉपिंग एंड द वे यू गाइज आर गोइंग टू द रिटेल स्टोर राइट नाउ इज क्वाइट डिफरेंट नाउ, एंड इट हैज टू बी डिफरेंट नाउ. यू शुड बी मोर, यू शुड हैव अ मोर पावर इन योर वॉइस, more assertiveness in your action, and you need to be more confident in every single conduct that you are doing.